विदेशी बीएड के ऑर्डर आने के बाद अब बीएड के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी जग रही। ऑर्डर की कॉपी आने के बाद कई बातें सामने आ रही हैं, और अगर आप बीएड के अभ्यर्थी हैं या बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में अब आपको लगेगी कि हाँ, कहाँ कहाँ उम्मीद की किरणें हैं, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी और बीटीसी के अभ्यर्थी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भावनाएं थी कि उनको लग रहा था यार उनकी पढ़ाई बेकार हो गई, उनकी इतनी मेहनत खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको कुछ राहत दे सकती है, क्योंकि जजमेंट को पढ़ने के बाद कई ऐसी बातें हैं जो आपके सामने निकल कर आती है। सबसे पहले तो ये देखिए, बीएड बीटीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसका फैसला ऑर्डर जो आ गया, उस ऑर्डर में कई बातें मेंशन भी, कई बातें इसमें अधूरी सी प्रतीत होती है। पहली बात जो ये ऑर्डर है, अभी तक इसमें कहीं स्पष्ट नहीं है पूरे भारत के लिए है, मतलब भारत के 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश के लिए है। इस पर अभी तक कहीं ना कहीं एक गैप बना हुआ है, और इस गैप के भरने का जो काम है वो प्रत्येक राज्य की राज्य सरकारें कर सकती हैं। दूसरा सवाल है कि ये ऑर्डर जो है फिलहाल अभी तक, क्योंकि राजस्थान का मामला था, मतलब बीएसटीसी बनाम बीएड का मामला था, तो ये जो गेंद थी, ये फैसला जो था, ये केवल केवल गोल हुआ है राजस्थान के लिए, माने राजस्थान राज्य के लिए ही केवल अभी तक गोल हुआ है। तो क्या अन्य राज्यों के लिए क्या स्थिति होगी, माने अन्य राज्यों के लिए कहीं ना कहीं अभी ये गैप बचा हुआ है कि वो राज्य चाहे तो अपने यहाँ भर सकती है, वहां राज्य सरकार पर अथॉरिटी, क्योंकि जो शिक्षा है ये समूर्ति सूची का विषय है, यह है, इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन कहीं कहीं एक बात यहाँ पर मेंशन किया गया कि 28 जून की जो गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, मतलब जो गाइडलाइन में कहा गया था कि बेसिक में शिक्षक बनने के लिए 1 से 5 तक के लिए एलिमेंट्री कोर्स के अलावा बीएड डिग्रीधारी भी इसमें आवेदन करके शिक्षक बन सकते हैं या वो भी पात्र होते हैं, इस बात को रद्द किया गया। कहीं ना कहीं एक बात ये भी निकल रही है कि भैया तो पूरे भारत के लिए था, तो पूरे भारत के लिए यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें यहाँ इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि बीएड के अभ्यर्थी जो है शिक्षक बन सकते हैं। तो यहाँ एक बात और अगर कहें तो एक मामला और निकल के आ रहा है जहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पे भी बीएड अभी फिलहाल सुरक्षित है। अगर मैं बात करूँ अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में टेट 2021 की मार्कशीट अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि उसमें भी ये मामला था कि मामला बीएसटीसी और बीएड का जब राजस्थान में फैसला आया था तो कोर्ट ने फिर देखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा कि हम राजस्थान में मामला चल रहा है, उस मामला के अधीन ही हम अपना फैसला देंगे या फैसला सुनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला था, ये जो फैसला था, ये जो उस जो राज्य जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट था, वो एक तरह से कहा जा सकता है वो टैग थी, वो याचिका अपने आप उसमें टैग हो गई। अब जो ये निर्णय आया है, इस निर्णय अगर हम बात करें, जो बीटीसी और बीएड का निर्णय है, ये अब उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है अब उसमें फॉलो करती है नहीं करती है, या अपना नया जजमेंट सुनाती है, या अगर कोई और व्यक्ति इसमें याचिका करता है तो क्या हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो अपने से भी कोई फैसला सुना सकता है, या वो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसमें भी बहुत सारी बातें, जैसे इसमें ये भी हमारे यहाँ पावर है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले में सकती हैं, आपस में बराबर हैं कि वो फैसले को पलटने का भी अधिकार रखती हैं, वो अपने आप से भी व्याख्या कर सकती हैं, क्योंकि अभी आगे अगर हम लोग अपने भारतीय संविधान को पढ़ा होगा, इस बातों का आपने जिक्र किया होगा, अंतिम अपीली जो है वो एक तरह से कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बाद फिर रिव्यू, मतलब उसके लिए आप दोबारा अगर याचिका करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम आगे वीडियो में चर्चा किए थे और मैंने बताया भी था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक न्यायाधीश होते, एक जज होते, न्यायाधीश का मतलब ये वो न्याय कर सकते हैं, मतलब अपने निर्णय को भी पलट सकते हैं, ये उनके पास राइट होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों के पास होता है। अगर आप चाहें तो, जैसे बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि सर अब इसका क्या सलूशन होगा, क्या अब फिर से डबल बेंच, तो डबल बेंच की मामला नहीं हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच नहीं होता, वहां पर अगर आप चाहें तो पुनर्विचार के लिए आप याचिका डाल सकते हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है। अब वहां पर सरकारें क्या होंगी, क्या आप सरकार पुनर्याचिका डालेगी, अगर बात करें केंद्र सरकार या प्रत्येक राज्यों की सरकार पुनर्याचिका डाल सकती हैं, पुनर्विचार याचिका, या वो अध्यादेश ला सकती हैं, या संसद में कानून बना सकती हैं, या राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पर भी अभी कई ऐसी बातें जो स्पष्ट नहीं होकर आ रहा है। एक सवाल मन में आ रहे लोगों की, सर क्या मैं बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी हूँ, क्या मैं फॉर्म भर चुका हूँ, क्या मुझे परीक्षा देने जाना चाहिए अथवा नहीं, मेरे पैसे भी बर्बाद होंगे, श्रम भी बर्बाद होगा। तो एक बात यहाँ और भी जान लीजिए कि मान लीजिए कल को बिहार सरकार कह दे कि नहीं यार हम तो आपको रखना चाहते हैं, हम चाहते थे आप शिक्षक बने और शिक्षक बनाए भी, तो आप कहेंगे सर मैंने आपके कहने पे मैंने परीक्षा नहीं दी, मेरे 1,000 रुपए 800 रुपए तो बच गए, जो मैं भाड़ा देता किराया लगता वो तो मेरे बच गए, लेकिन मेरी करियर तो चली गई। तो इसलिए अगर आपने मेहनत की, आपने तैयारी किया है, तो अपने शोभियों की मेरा व्यक्तिगत राय है आप परीक्षा दीजिए, हो सकता है वहां की राज्य सरकार
आपके लिए क्या निमौले लाती, हो सकता है आपके लिए क्या परिवर्तन करती है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी सोचने के विषय है। अगर हम दूसरी बात ये करें कि भैया सीटेट ने अभी हाल ही में कह दिया कि भाई एक से लेकर पांच तक के लिए जो मार्कशीट थी उन्होंने बीएड के लिए, तो भैया कि आप तो बीएड आपके लिए माने नहीं, तो भैया बीएड की एनसीटी गाइडलाइन खत्म हो गए, उसके अंतर्गत आप थे तो बीएड अभ्यर्थी जो थे उनके सीटेट का जो अर्हता था वो अर्हता ही खत्म हो गई। तो जब अर्हता खत्म हो गई तो भैया वो अभी बिहार के लिए अप्लाई कैसे होंगे, तो हो सकता है बिहार के लड़के अगर कोर्ट जाएं, बिहार के बच्चे कोर्ट जाएं और उनको सीटेट से कह दे भैया कि काम करो बिहार में जो शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं उनके सीटेट की मार्कशीट बहाल कर दो। तो भैया अब आप तो पहले से पास थे, न्यायालय को न्यायपालिका अगर आदेश कर देती है तो फिर उन्हीं का फायदा होगा जो परीक्षा दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए। आप चाहे तो बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं आवेदन करके और परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो केवीएस परीक्षा देकर आए, केवीएस के भी अभ्यर्थी सवाल पूछे, सर मैं बीएड अभ्यर्थी हूँ, मैंने बीएड किया हुआ है और जब मैंने बीएड कर रखी है और बीएड के बाद आपके सामने जो यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा है कि उम्मीद की किरण है, तो केवीएस के लिए अगर कहा जाए तो एकदम साफ हो गया एनसीटी गाइडलाइन रद्द हुई और उस एनसीटी की गाइडलाइन के तहत हम तो परीक्षा करा रहे थे। तो केवीएस अभी हाल फिलहाल में आपको बीएड अभ्यर्थियों का चयन तो नहीं करेगा, बीटीसी अभ्यर्थी को प्राथमिक में लेगा। लेकिन अलग अलग राज्य की बात करें, क्योंकि उस समय जिस समय याचिका सुनी जा रही थी उस समय पश्चिम बंगाल का भी मामला था, अन्य कई राज्यों के भी मामले चल रहे थे, तो इस मामले में एक लाइन ये भी कहा गया है कि इसके साथ साथ अन्य याचिकाओं को भी समझा जाए। तो अन्य याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में थी, अब हाई कोर्ट में थी, तो अभी भी इस जो ऑर्डर की कॉपी आई है इसकी भी बहुत सारी व्याख्या होनी बाकी रह गई है। और इस व्याख्या में कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी, अगर हम बात करें बीएड के लिए, तो अभी भी उम्मीद की जो किरण पड़ रही थी, जो उम्मीद की एक छोटी सी किरण जिसे ये मानना जा रहा था, ये मान लिया गया था कि अब खत्म हो चुका है सब कुछ या सबका बीएड पूरी तरह से बाहर हो गया है, तो अभी भी आपके लिए उम्मीद की जो किरण है वो पल रही है, उम्मीद की किरण अभी आपके लिए जिंदा है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने मित्रों को साझा जरूर करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हताश मत होइएगा और आप अंतिम क्षण तक तैयार रहिए। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद बीएड वाले राहत के सांस लेकिन ब्रिटिशर के अभ्यर्थी हमको गालियां देना शुरू कर दे। भैया देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया हम सभी के लिए और सभी को सम्मान करना चाहिए। मैं अपना व्यक्तिगत सुझाव आपको दे रहा हूं, अगर आपके हित का है तो ठीक है, नहीं हित का तो एक कान से दूसरे कान से निकाल दीजिए। तो फिलहाल जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, अब कह रहे सर अब फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए क्योंकि आपके लिए भी बहुत सारे मौके, जैसे जूनियर शिक्षक भर्ती आप दे सकते हैं, जैसे बिहार है, अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी है, अन्य राज्यों के भी पिटारे खोल रहे हैं, केवीएस दे सकते हैं जूनियर का, टीजीटी पीजीटी नवोदय विद्यालय दे सकते हैं, आरएमई पब्लिक स्कूल है और ईएमआरएस का भी जो भर्ती उसमें भी आप दे सकते हैं, कस्तूरबा गांधी में बीएड के महिला भर्ती आवेदन कर पाएंगी, साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी बनना हो, जिला विधि शिक्षा अधिकारी बनना हो, तो बड़े बड़े जो पद हैं वो भी आपके ही हाथ में। बीएड के भर्ती के लिए तो केवल एक से लेकर पांच तक ही बचा, लेकिन फिलहाल अगर आपने दो वर्ष का प्रशिक्षण लिया था, इस उम्मीद से लिया था कि आपको भी प्राथमिक में शिक्षक बनना है, तो कहीं ना कहीं आहत होते हैं, इंसान को चोट लगती है और दुख भी होता है। अगर नहीं शामिल होता, क्योंकि अभी तक 72,000 में शामिल था, फिर 69,000 में शामिल था, नहीं शामिल था उतना दर्द नहीं था, अगर शामिल करने के बाद अगर निकाला जाए तो कहीं ना कहीं आहत होता, मन व्यथित हो जाता है, बेचैन सी होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, यार अब मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, पूरी नींद लीजिए और ये उम्मीद रखिए कि ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, महादेव आपके सभी के साथ है, सभी के साथ, बीटीसी डीएलएड बीएड सभी के साथ है। फिलहाल बीएड बीटीसी के अभ्यर्थियों और डीएलएड के अभ्यर्थियों ये रास्ता तो क्लियर हो गया, प्राइमरी उनके लिए सतत रूप से खुला है, लेकिन उनके लिए जूनियर के रास्ते बंद हो चुके हैं। वो अगर ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि ऐसा कोई फैसला आएगा कि उन्हें टीजीटी पीजीटी में भी मौका मिलेगा, हायर एजुकेशन में मौका मिलेगा या माध्यमिक में मौका मिलेगा, तो अब उनके लिए भी ये पूर्ण विराम है कि आप एलिमेंट्री कोर्स करके आ रहे हैं और आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, आप हायर में नहीं जा पाएंगे या माध्यमिक में नहीं जा पाएंगे, टीजीटी पीजीटी आप नहीं दे पाएंगे, आपके रास्ते यहाँ पर बंद हो गए हैं पूरी तरह से। लेकिन अभी बीएड के अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद की जो किरण है अभी भी जल रही है, ये प्रत्येक राज्य सरकार के पास अभी राइट है, अपने राइट का मतलब अपने अधिकार का ये प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल अगर प्रयोग की बात करें तो राज्य, क्योंकि अभी क्योंकि कर सकते का मतलब यह है मेरा कि कहीं ना कहीं इस ऑर्डर में जजमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है प्रथम दृष्टया कि क्या होगा। एक और मामला यहाँ पर है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं, उनका क्या होगा, या मध्य प्रदेश में जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं या अन्य अलग अलग राज्यों में जो एनसीटी की गाइडलाइन के बाद चयनित हुए हैं, क्या उनकी नियुक्ति निरस्त होगी। तो अभी प्रथम दृष्टया इस ऑर्डर के सापेक्ष अगर देखा जाए तो आप सब पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का संकट नहीं है, आप पूरे मनोयोग के साथ अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें और जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरे आस्था के साथ
माननीय सरकार के सपनों को पूरा करे। अगर आप उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती में सरकारी शिक्षक हैं तो निपुण उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करें, निपुण विद्यालय, निपुण ब्लॉक, निपुण न्याय पंचायत, निपुण जिला बनाने पर फोकस करें ताकि आपका प्रदेश निपुण बन सके और अफवाहों से अन्य बातों से दूर रहें। जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी हम आप अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप राहत की सांस लीजिए और आप अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए, क्योंकि बीएड के लिए ये उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है कि यह शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है जिस पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों सरकार एक कानून बना सकते हैं। मतलब अभी भी अगर देखा जाए तो कई रास्ते खुले हैं और ये रास्ते आप सभी के लिए हैं और इस रास्ते का चुनाव समय आने पर कर सकते हैं। मतलब कई रास्ते हैं न्यायालय जाने के लिए। अभी बीटीसी बीएड का जो मामला ये कहा जा रहा था कि इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, अभी भी इसमें उम्मीद की किरणें साफ और स्पष्ट नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी प्रथम दृष्टि आपको क्या करना है, अपने स्वविवेक का प्रयोग करना है। परीक्षा में फॉर्म भरा है तो परीक्षा दीजिएगा, होना ना होना ऊपर वाले महादेव की इच्छा है। तो अभी फिलहाल हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आप सभी चाहे बीटीसी हैं, बीएड हैं, डीएलएड हैं, एनएसडीएलएड हैं, बीएलएड हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, धैर्य रखिए। बीएसटीसी हैं, इस वीडियो को किसी भी राज्य से देख रहे हैं, लाइक करें ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चाहे वो अभ्यर्थी हो। मैं भी बीटीसी 2015 बैच रहा हूँ, मेरे बहुत सारे साथी हैं और बीटीसी के दिनों में हमने भी संघर्ष किया था। लेकिन वही है, हम सभी न्यायालय के फैसले के अधीन होते हैं और माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, माननीय सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं और हम सभी को करना चाहिए। और आपको अधिकार देता है सरकार कि आप अपने पक्ष के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो अन्य के लिए आप भी तत्पर हो, तैयार रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर अन्य कोई सवाल, कोई प्रश्न हो, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ताकि हम आपके सभी सवालों का जवाब दे सके। 69 जैसे शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य राज्यों में जो भी नियुक्तियां हुई हैं अभी तक सुरक्षित है प्रथम दृष्टया, और उसके बाद क्या होगा, उसके आदेश पे क्या, उसके अलावा अगर फिर से रीट पड़ती है, फिर से जजमेंट आता है, फिर से एक लंबी कहानी बनती जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप लोग धैर्य रखिए, राहत के सांस लीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। मेरा सुझाव है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा अगर आपको लग रहा है कि देना चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप जाइए परीक्षा दीजिए, क्योंकि अब राज्य सरकारें के पक्ष में गेद हैं, राज्य सरकारें कहाँ कहाँ क्या क्या करती हैं। उसके बाद अगर कोई इसको आहत होगा वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, तो फिर कहानी बड़ी होती जा रही है, कई रास्ते इसके खुलते जा रहे हैं। फिलहाल इसमें आपका क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके आप अपने राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा और अगर आपके कोई व्यक्तिगत सवाल है, ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे आप सवाल पूछ सकते हैं या फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइक और फॉलो करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। वैसे कोई भी सवाल हो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ताकि हम आपके सवाल के साथ आपके जवाब भी दे सके। आप धैर्य रखें, खुद पर भरोसा रखें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें, जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा, ईश्वर हमेशा आपके लिए अच्छा सोचता है और अच्छा करता है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।